एक साल का मिनी स्टेटमेंट आप किस तरीके से डाउनलोड करेंगे, बिल्कुल ही नया अपडेट है गाइस। पहले भी गाइस हमने वीडियो बनाया है कि किस तरीके से पीएनबी वन से आप मिनी स्टेटमेंट डाउनलोड करेंगे, लेकिन अभी गाइस जो पीएनबी वन है उसको हमने प्ले स्टोर से अपडेट किया। उसके बाद गाइस यहाँ पे एक और तरीका दिया गया है कि आप किस तरीके से बैंक अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए गाइस मैं पीएनबी वन को यहाँ पे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एम पिन मांगेगा, एम पिन यहाँ पे मैं डालकर लॉग इन हो जा रहा हूँ। इस ऐप को कैसे आपको चालू करना है उसका ऑलरेडी हमने डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके आपको वीडियो देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अब यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ सेविंग अकाउंट है ना, उस एरो पे आपको एक बार क्लिक करना है। नया तरीका गाइस बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप मिनी स्टेटमेंट डाउनलोड करेंगे। जैसे ही आप एरो पे क्लिक करेंगे ना तो गाइस आपको इस तरीके का ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पे कार्ड वाला पे क्लिक करना है, रेड कलर पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे देखिए लास्ट 10 ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिखा रहा है और नीचे गेट मिनी स्टेटमेंट दिखा रहा है। यहाँ पे सर्विस वगैरह में जाके आप इस स्टेटमेंट रजिस्ट्रेशन भी आप कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाजू में अकाउंट डिटेल्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि आपका अकाउंट एक्टिव है कि नहीं, बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। आपको सिंपली यहाँ पे लास्ट 10 ट्रांजेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए लास्ट 10 ट्रांजेक्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है गेट स्टेटमेंट, गेट स्टेटमेंट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे बोला है सो लास्ट और ट्रांजेक्शन और या में लास्ट वीक, लास्ट मंथ, कस्टम डेट रेंज, तो यहाँ पे आपको कस्टम डेट रेंज पे क्लिक कर देना है। कस्टम डेट रेंज पे जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको फ्रॉम डेट एंड टू डेट, फ्रॉम मतलब से, टू मतलब तक, अभी तक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, फ्रॉम में आपको आज के डेट से 10 महीना पहले का डेट यहाँ पे डाल दीजिए, पहले का डेट, और टू में आज का डेट रहने दीजिए। उसके बाद हमें बोलेगा ट्रांजेक्शन अमाउंट रेंज, तो यहाँ पर आप कितना आप ट्रांजेक्शन निकालना चाहते हैं, मिनिमम या फिर मैक्सिमम, इस तरीके से पूछ रहा है। तो मेरे को सब ट्रांजेक्शन निकालना है तो मैं वो उसको ऐसे ही ब्लैंक रहने दूंगा। मैं डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, मैं डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे जो एरो है ना, एक बाएं तरफ एक दाएं तरफ, उसके मदद से आप डेट को बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो आप एक साल के अंदर का ही डेट यहाँ पे रखें, 365 दिन से ज़्यादा का मत रखें, 365 में एक दिन कम होगा यहाँ पे डाउनलोड ले लेगा। तो यहाँ पे मैं उस डेट को यहाँ पे फाइनली यहाँ पे सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे मेरे को क्रिटिकल लग रहा है। तो किसी तरह से आपको 365 दिन के अंदर का जो डेट है फ्रॉम और टू में, उसमें आपको पुट कर देना है, रख देना है डेट को, ठीक है, कैसे भी आप रखिए। देखिए मैं 2022-2023 पहले में 8वां महीना रखा हूँ और टू में 7वां महीना रखा हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको ट्रांजेक्शन टाइप ऑल कर देना है और ट्रांजेक्शन अमाउंट रेंज आपको ब्लैंक रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे व्यू स्टेटमेंट पे क्लिक करना है। व्यू स्टेटमेंट पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे जितना भी स्टेटमेंट है वह पे शो कर देगा। आपको क्या करना है, आपको इसको डाउनलोड करना है। यहाँ पे देखिएगा पीडीएफ और एक्सेल फाइल दो यहाँ पे आपको दिखाता है, पीडीएफ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, पीडीएफ डाउनलोड सक्सेसफुली, और यहाँ पे पीएनबी वन ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे बोलेगा अपना अकाउंट नंबर डाले इसको ओपन करने के लिए। मैं फटाफट अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, और यहाँ पे मेरा स्टेटमेंट है, जो मेरा मिनी स्टेटमेंट है, बैंक रिकॉर्ड है, यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो मेरे अकाउंट के अंदर ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, इसमें लेन देन में करता ही नहीं, तो उसमें बहुत ही कम स्टेटमेंट दिखा रहा है। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट में, आज के लिए।